घोसे खुर्दबान में कुही तालुका के कई गांवों का पुनर्वास किया गया है और कई लोग लाभ से वंचित हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की उदासीनता के कारण कई लोगों ने अब तक आत्महत्याएं कर ली है। इसलिए अब एक परिवार सरकार के कुप्रबंधन से तंग आकर जल समाधि लेने वाला है। वास्तविक भूखंड धारकों को छोड़कर अवैध भूखंड आवंटन का एक ज्वलंत उदाहरण किसी तालुका के किसी तहसीलदार के तहसील कार्यालय में हो रहा है, जिसका घर खो गया, कृषि खो गई, दूसरों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया गया और उसका खेत घोसे खुर्दबान को दान कर दिया गया। लेकिन अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इस पर अधिक ध्यान देते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे किया जा सकता है। 2014 से 22 तक उन्हें इनके अधिकारों से वंचित करने के लिए सैकड़ों याचिकाएं प्रस्तुत करने के बावजूद उप कलेक्टर, नागपुर उपमंडल अधिकारी उमरेड, तहसीलदार कुही और जाधव महोदया के कुप्रबंधन के कारण उनके जीवन को समाप्त करने का समय आ गया है। इसमें शामिल अधिकारियों की गहन जांच की जानी चाहिए और इस परियोजना के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। वीकेबी न्यूज के लिए हर्षा रोशन खेड़े की रिपोर्ट। माफ आयाले गेल्या वर्षी दसला होता धाका होता जी सुजला हे का होता जी हे बा मे दुख असे सुजले आहेत ना काय दुख असे तो सापाने चावलन होत तो छोय दुख आता दवाई पाणी घेऊन सऱ्या का करो हा पान जी तुम्ही हा दिसला मग हा ठीक आहे आता हिरभर माणूस हिंटते रातच्या येऊन झोपते आता बाजावर का झाला तर तो येऊन गेला असं बिचारा घेतला ना असा लोंदा उपर आला आता कोटी दिस आई बाईची जात कोटी हिंडी जात दोन महिने झाले लयन नसे लयन राहिला उजीड राहिला तर माणूस उठते नाही तर काकरी जी मी बाईची जात येते एकली खावा जा त्याला जा जीवा जा तो अनभर बाय त्या दिव्या वाट्या आण हे पावर तुम्हाला सासू नसेल लागत आता का करावा बाई न का करावा हे पा खावाच्या तेलाची तुम्ही वाज घेऊन पा हो का नाही तर मग सांगा मग रांड्या रुंड्या बाईन का करावा मग